हेलो माय डियर व्यूवर्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी पैराडाइम। एक ऐसा चैनल जिसे आपको जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए अगर आप एक कंप्यूटर स्टूडेंट हैं या फिर कंप्यूटर के साथ रेगुलर वर्क करते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ढेर सारी कंप्यूटर से जुड़ी नई नई वीडियोस देखने को मिल जाएंगी जो कि आपको पूरी लाइफ में मदद करेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक्सेल में काउंट फंक्शन कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ नेम्स हैं जैसे कि रेडन, जेम्स, विक, जेड, आकाश, विक, और उनके कुछ कंट्रीब्यूशंस हैं जैसे कि रेडन ने $7 दिए, जेम्स ने $11 एंड रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पे मैंने कुछ नेम्स जो हैं रिपीट किए हैं जैसे कि रेडन नंबर 2 पे भी है और नंबर 10 पे भी है। इसी तरह कुछ नेम्स मैंने यहाँ पे रिपीट किए हैं। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि काउंट कंट्रीब्यूशन, कि हमें क्या काउंट करना है, कंट्रीब्यूशन काउंट करना है, देन नेम्स काउंट करना है, देन विक काउंट करना है, एंड देन ऑल द कंट्रीब्यूशन दैट इज ग्रेटर देन $10। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं। इन द नेक्स्ट कॉलम, कॉलम ई, वी हैव फंक्शन। इस कॉलम में हम लोग सारे फंक्शन जो है परफॉर्म करेंगे। द नेक्स्ट इज कॉलम एफ, दिस इज द कॉलम एफ, एंड इन दिस कॉलम वी विल गिव द टाइप्स ऑफ काउंट फंक्शन। और फिर लास्ट में हम लोग कुछ नोट्स देंगे कि वो फंक्शंस कब यूज होते हैं, कब नहीं यूज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काउंट कंट्रीब्यूशन से। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन हमें काउंट करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पूरी कंट्रीब्यूशन में मैंने एक बीच में नेम दिया है जो कि है केट। देखते हैं क्या होता है। तो काउंट करने के लिए एक फंक्शन है, बहुत ही प्यारा फंक्शन है, दैट इज COUNT, काउंट, ओपन ब्रैकेट, ब्रैकेट में हमें क्या देना है, पूरा सेल रेंज देना है, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। We have answer 12, यानी कि यहाँ पे 12 contribution को, यानी कि 12 numerical values हैं और वो उसने count कर दी। इसने kate को count नहीं किया है क्योंकि count function जो है वो text को नहीं count करती है, केवल numerical values को count करती है, इसलिए हमारे पास answer है 12। तो notes में हम लोग लिख सकते हैं do not count text and टाइप में लिख सकते हैं काउंट। हमने यहाँ पे काउंट फंक्शन यूज किया, यानी कि टाइप है काउंट। द नेक्स्ट इज काउंट नेम्स। अब यहाँ पे हमें वो सारे नेम्स काउंट करने हैं। नेम्स मे बी द टेक्स्ट भी हो सकते हैं और कुछ नंबर्स भी हो सकते हैं। तो जब हमें टेक्स्ट और नंबर दोनों काउंट करने हैं तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा फंक्शन दिया है काउंट के साथ, हम लोग ए यूज कर सकते हैं, COUNT ए। काउंट ए मीन्स काउंट ऑल, मीन्स टेक्स्ट और नंबर्स दोनों काउंट करने हैं, ब्रैकेट ओपन एंड देन सिलेक्ट द सेल रेंज लाइक दिस A2 टू A14 एंड देन ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर, वी हैव रिजल्ट 13। यानी कि काउंट ए फंक्शन तब यूज होता है जब हम लोग को टेक्स्ट और नंबर दोनों काउंट करने हो। और इसमें नोट्स में ले सकते हैं काउंट टेक्स्ट एंड नंबर बोथ। और ये कौन सा टाइप था काउंट का, ये था काउंट ए, काउंट ए। इजी है, यस, नो, मे बी, ओके। लेट्स मूव टू द थर्ड वन, दैट इज काउंट विक। सो वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम द विक अपीयर्ड इन द लिस्ट, यानी कि इस लिस्ट में विक कितनी बार आया है हमें वो काउंट करना है। यानी कि इसमें हमें देना है इफ कंडीशन, कंडीशन जहां भी देनी हो वहां पे इफ फंक्शन यूज होता है। काउंट के साथ इफ कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए भी एक फंक्शन है इक्वल्स टू काउंट इफ, हमने दिया काउंट इफ ओपन ब्रैकेट। अब इस फंक्शन को समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, हमें यहाँ पे फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में इंसर्ट फॉर्मूला बटन मिल जाता है, उस पर क्लिक करना है और हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है रेंज देनी है, हमें रेंज देनी है कि हमें क्या काउंट करना है, हमें विक काउंट करना है। तो इस पूरी रेंज में विक कितनी बार आया है, तो हमने इस तरह से रेंज दे दी है क्लिक एंड ड्रैग करके। और क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, विक काउंट करना है तो हम लिख सकते हैं WICK, विक लिखना है लिखिए, या फिर हम लोग सेल रेंज दे सकते हैं, सॉरी सेल एड्रेस दे सकते हैं, लाइक विक को सिलेक्ट कर लेंगे तो सारे विक जो है काउंट हो जाएंगे। प्रेस ऑन ओके टू गेट रिजल्ट, सो रिजल्ट इज 4, यानी कि इस लिस्ट में जो विक है वो 4 टाइम्स आया है। लेट्स सी, 1, 2,
थ्री एंड फोर, यानी कि यहां पे चार विक है तो हमारे पास रिजल्ट है फोर। लेट मी क्लियर इट्स फॉर्मेटिंग। ओके, तो इसमें हमने कौन सा टाइप यूज किया, काउंट इफ, काउंट इफ। और इसमें नोट्स हम लोग क्या ले सकते हैं कि जब हमें एक कंडीशन देनी हो तब हम लोग काउंट इफ फंक्शन यूज करते हैं। फॉर वन कंडीशन, सो काउंट इफ फंक्शन इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू गिव वन कंडीशन टू द फंक्शन। यहां पे हमको विक चाहिए था पूरी रेंज में से, तो हमने काउंट इफ फंक्शन किया। इसी तरह से हमें चाहिए कि कंट्रीब्यूशन में वो सारी वैल्यूज काउंट करे जो कि डॉलर टेन से ज्यादा है, टेन डॉलर से ज्यादा वैल्यू सारी काउंट हो जाए, उसके लिए भी हम लोग को काउंट इफ फंक्शन यूज करना है। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट है, यानी कि ग्रेटर देन टेन डॉलर उसको कैसे देना है, इक्वल्स टू काउंट इफ ओपन ब्रैकेट नाउ गिव द रेंज लाइक दिस। हमने रेंज दी बी टू टू बी फोर्टीन, देन गिव अ कॉमा हियर, कोटेशन मार्क एंड देन गिव द कंडीशन। कंडीशन हमें कैसे देनी है, ग्रेटर देन 10, हमें ग्रेटर देन का सिंबल देना है और 10 लिख देना है। सिंपल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर, वी हैव आंसर 4। यानी कि पूरी लिस्ट में से ऐसी 4 वैल्यूज हैं जो कि 10 डॉलर से ज्यादा है। लेट्स काउंट 1, 2, 3 एंड 4, ये रही 4 वैल्यूज जो कि 10 से ज्यादा है। लेट मी चेंज द कलर अगेन लाइक दिस। ओके, सो दीज आर द 4 वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन 10 डॉलर्स। तो इसमें हमने कौन सा फंक्शन किया, हमने फिर से वही काउंट इफ फंक्शन यूज किया था, तो सेम। नेक्स्ट नोट्स में हम क्या लिख सकते हैं, नोट्स में भी वही लिख सकते हैं फॉर वन कंडीशन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जो कि है, पूछ रहा है काउंट विक एंड ग्रेटर देन $5, यानी कि हमें विक ने कितनी बार $5 से ज्यादा दिया है वो काउंट करना है। यानी कि यहां पे हमारे पास दो कंडीशन है, पहला तो नाम विक होना चाहिए एंड द सेकेंड इज विक ने कितनी बार $5 से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया। तो इसके लिए हमारे पास काउंट इफ्स फंक्शन है, इक्वल्स टू काउंट इफ्स। इफ्स देख सकते हैं यहां पे IFS है, यानी कि मोर देन वन कंडीशन, सो इफ्स फंक्शन इज यूज्ड। ओपन ब्रैकेट, इसको अच्छे समझने के लिए हम लोग इंसर्ट फॉर्मूला पे जाते हैं जो कि फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में है, क्लिक करते हैं और हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज वन, हमें पहले रेंज वन देनी है। तो रेंज वन में हमें विक को स्पेसिफिक करना है, विक को आइडेंटिफाई करना है, तो हमने सारे नेम्स दे दिए, सारे नेम्स में से हमें ढूंढना है विक को, तो क्राइटेरिया वन में हमें विक सिलेक्ट करना है। हमने विक सिलेक्ट किया यानी कि A4 एंड देन इट इज आस्किंग फॉर क्राइटेरिया रेंज टू। क्राइटेरिया रेंज टू हमें सारी कंट्रीब्यूशंस में से देना है, तो हमने सारी लिस्ट सिलेक्ट कर ली कंट्रीब्यूशंस की। और क्राइटेरिया टू में हमें देना है ग्रेटर देन $5, हमने इन्वर्टेड कॉमा दिया, ग्रेटर देन सिंबल दिया एंड देन 5, कोटेशन बंद। यानी कि सबसे पहले हमने दिया सारे नेम्स की सेल एड्रेस रेंज एंड देन विक का सेल एड्रेस, यानी कि सारे नेम्स में से हमें विक पहले खोजना है और फिर सारी कंट्रीब्यूशंस में से हमें मोर देन $5 सर्च करना है। प्रेस ओके, देन वी गेट द रिजल्ट 3। लेट्स सी इज इट करेक्ट और नॉट। फर्स्ट विक इज हियर, सेकेंड विक इज हियर, थर्ड इज हियर एंड फोर्थ इज हियर। तो कितनी बार विक ने $5 से ज्यादा दिया, 1, 2 एंड 3, 3 टाइम्स विक हैज गिवन मोर देन $5, सो इट इज रिफ्लेक्टिंग हियर 3। यानी कि विक ने 3 बार $5 से ज्यादा दिया तो यहाँ पे 3 आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमने कौन सा फंक्शन यूज किया था, काउंट इफ्स। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं काउंट इफ्स। टोटल यहाँ पे 4 टाइप्स होते हैं काउंट के, काउंट, काउंट ए, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स। इसमें हम लोग नोट्स में क्या लिख सकते हैं, फॉर मोर देन वन कंडीशन,
यानी कि जब हमको एक कंडीशन से ज्यादा कंडीशन देनी हो तब हम लोग काउंट इफ्स फंक्शन यूज कर सकते हैं। समझ में आया? आसान है। शुरुआत में हमने पढ़ा काउंट फंक्शन, देन काउंट ए यानी कि काउंट ऑल, देन काउंट इफ एंड देन काउंट इफ्स। जब हमें केवल नंबर्स काउंट करने हो तो काउंट फंक्शन यूज हो जाएगा, जब हमें नंबर और टेक्स्ट दोनों काउंट करने हो तो काउंट ए काउंट ऑल फंक्शन यूज हो जाएगा, देन हमें अगर एक कंडीशन देनी हो जैसे पार्टिकुलर टेक्स्ट या फिर पार्टिकुलर वैल्यू नंबर चाहिए हमें तो काउंट इफ फंक्शन होता है, एंड देन मोर देन वन कंडीशन, यदि हमको दो कंडीशन एक साथ अप्लाई करनी है तो काउंट इफ फंक्शन यूज होगा। तो आज के लिए वीडियो बस इतनी ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। एंड स्टिल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट राइट नाउ, देयर यू विल गेट द सब्सक्राइब बटन, हिट इट राइट नाउ, इट विल रियली मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज फॉर यू ऑल। दैट्स ऑल, थैंक यू।